वसुदेव सुतम देवम कंस चानुर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। पापा तेको चिल फिल यार, सुबह सुबह शोर करते हो। गुनगुन गुनगुन गेट अप, उठो गुनगुन, लेट हो जाओगी। रिलैक्स पापा, कमिंग। गिरा थोड़ी हूँ, मैं तो डांस कर रहा हूँ, नागिन डांस, देखोगी? फिर से हंसने? ओए, हंसना बंद करो और ये बताओ कि तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई शलगम? ओहो, शलगम नहीं, शलगम। अरे वही, शलगम। और मैं तैयार हो गई हूँ। इसे रेडी होना कहते हैं। जूते कहाँ हैं? ये पोनी टेल है? ये पोनी टेल नहीं, पोनी सेल है। तुम्हारा एक पोनी जो है वो कश्मीर की तरफ जा रहा है और दूसरा कन्याकुमारी की तरफ। अगर तुम्हारे स्कूल वाले तुम्हें ऐसे देखेंगे, पता है क्या करेंगे तुम्हारे साथ? मुक्का मारकर म्यूजियम भेज देंगे तुम्हें। तुम्हारी माँ ना एक नंबर की आलसी है, उसकी तो क्लास लेनी पड़ेगी। सारे काम जो है मुझसे करवाती है, अभी भी खराटे मारकर सो रही होगी कहीं पर, है का तुम्हारी माँ? मेरी शी, अगर और कोई कसर रह गई हो तो और बुराई कर लो माँ की बेटी से। But still, thank you, मोहन भैया, आपने सारा काम कर दिया। हाँ मोहन भैया, thank you so much for being with us। तुम दोनों ना एक काम करो, thank you मोहन भैया की टी-शर्ट पहन लो। ये शलगम के सारे काम तो मुझसे करवाते, पैदा करने से पहले पूछा था क्या? तुम दोनों तो बिजनेस में बिजी रहते हो, मुझे बाप बना दिया। एक उस करेले का बाप और दूसरा शलगम का बाप। ए? आप बाप नहीं हो, बाप तो बैड वर्ड होता है ना, आप तो मामा, मतलब टूटू माँ, मामा प्रो। टूटू माँ, ये जो तुम इतनी प्यारी प्यारी बातें करती हो ना, ये थोड़ी सी स्वीटनेस जाकर ना उस करेले टाइप की बहन को दे दो, नक चढ़ी जिद्दी कहेगी, है ना? पता है फैमिली से ज्यादा ना फोन पर सिंपिंग करती रहती है। सिंपिंग का मतलब पता है? ये सिंपिंग मतलब बाद में बताती हूँ। मुझे भी नहीं पता है, पर इमोजीज पर स्माइली भेजती, रियल लाइफ में सड़ा हुआ फेस बनाती रहती है। सड़ू कहेगी। सड़ू कहेगी। करेक्ट। अरे हिंदी गाने छोड़कर कोरियन लड़कों के अजीब अजीब गाने सुनती है, पढ़ाई को प्ले करती है, बाप को स्ले करती है, कभी मन तो ना, मैं तो अब आएगा ना असली मजा, पिक्चर तो अब शुरू हुई है। वो तो एक्चुअली ये तो मैं तो ये तो वो तो
मेरे पीछे मेरी बुराई कर रहे थे। How cringe! और बुराई करने तो मेरे सामने करो ना। और ये क्या पहना है आपने? अरे ये मत, ये तो एप्रन है, नीचे देखो कॉर्ड सेट। Is it cool? है ना? Minus this ना, ये तो किचन के लिए पहना है मैंने। तुम एप्रन देखकर जज मत किया करो। पापा ऐसे कपड़े कौन पहनता है? अब अपनी उम्र के हिसाब से कपड़े पहना करो ना। पापा हो पापा बन के रहो। Get real, मिलने प्रेसिस के साथ सिचुएशनशिप खत्म करो और act like your age पापा please। Exactly, get real, act like your age पापा please। उम्र क्या है तुम्हारा? हाँ बेटी हो ना तो बेटी की तरह रहो, पापा की दादी बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा फिट चेक फॉर स्कूल इज एब्सोल्युटली नॉट ऑन पॉइंट। ये तुम्हारी स्कर्ट इतनी ऊपर क्यों? नीचे करो इसे। नो पापा इट्स फेयर। व्हाट्स फेयर? फैशन। फैशन शो के लिए जा रही हो तुम या स्कूल पढ़ने के लिए जा रही हो? स्कर्ट नीचे करो। नो स्कर्ट। वो क्या है तुम्हारे मोजे? मोजे इतने नीचे क्यों है? ऊपर करो। नो पापा। दिस गोज अप। चलो। नो पापा 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 व्हाट आर यू डूइंग? या एज याद है ना तुम्हें अपनी? इस घर में सबको अपनी एज पता है। सिवाय तुम्हारे। अगर तुम ऐसे ही बिहेव करते रहोगे ना तो कुछ दिन बाद इस घर में खाने को ना कॉर्नफ्लेक्स होगा और ना पीने को कोला, ना घर में बिजली होगी ना वाईफाई। क्यों? क्योंकि तुम एज यूजुअल मीटिंग के लिए लेट हो। क्या? ओह नो मीरा, तुम भी ना, तुम जल्दी नहीं बता सकती कि मैं मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ। अरे यार आराम से, मीटिंग शुरू होने वाली है, किसने भी शोर किया तो मामा मुक्का मारेंगे। करेक्ट। असंसियों, हसियों, मुरझाइयों, हाउ हाउ आर यू? क्या कर रही हो? मीटिंग चालू है। नहीं हो रही हूँ, तुम्हें मीटिंग के लायक बना रही हूँ। क्या? एप्रन। एप्रन क्यों नहीं निकाला? एप्रन ताबे बेच रहा, कौन मनाए? Thousand copies will be there by next week. Okay, jaldi aao. Thank you. अरे यार करते क्या हो यार तुम मीरा यार? ये इतनी सुबह को मीटिंग्स मत लगाया करो यार, सुबह को हजार काम होते हैं। लंच पैक करना होता है, नाश्ता बनाना होता है, वो गुनगुन के लिए पैनकेक, शलगम का चॉकलेट मिल्क, केतकी का ग्रीन जूस, अजीत का कैमोमाइल टी, और इनको साथ में पराठे भी चाहिए। और भी बहुत सारे काम होते हैं यार, सुबह की मीटिंग्स तो stressful होती है यार, it's really too much. Okay, hottie, अगर तुम कहते हो तो मैं रात को फिक्स कर दूंगी मीटिंग्स। दोनों साथ में कर लिया करेंगे मीटिंग्स। अरे चेप की बन रही हो तो? चेप मैं? और नहीं तो क्या? How rude. Of course, yes. Client बनकर आई थी, business partner बन गई। तब life partner भी बना लो। क्या कर रही हो? तुम आतंकवादी होकर पीछे से हमला कर रही हो, और तुम क्या असली हो? पीछे से एक काम कर रहा था वो भी ठीक से नहीं कर पाई तुम। खाना बना नहीं सकती, कम से कम सर्व तो कर दो। मोहन भैया मैनिक्योर। तो आके मेरे दांत से कचरा ही निकाल लो। तुम लोग हंसो मत। हंस लो। डैड नो फोन्स ऑन द टेबल। Whatever. Chup chup, khana khana hai. Hurry. ये जो तुम बाहर फेंक रही हो इसे अपने पेट में फेंकना है। So open your mouth. हा हा हा। Bite.
वेरी गुड गर्ल. अच्छा है कि नहीं? अच्छा ना? बहुत अच्छा है. बहुत. अरे वाह मोहन भैया, आप भी पराठा खा रहे हो? कॉर्नफ्लेक्स से सीधा पराठा. वाह, बनाया किसने? क्या पराठा बना है, मजा आ गया. एकदम ऐसा ही पराठा ना राधा बनाया करती थी. हमने डिसाइड किया था ना कि हम कभी राधा के बारे में बात नहीं करेंगे. हमने वृंदावन भी इसलिए छोड़ा था क्योंकि उस घर में हर जगह राधा की मेमोरीज थी. और अब दिल्ली शिफ्ट होने के बाद भी आप लोग. गुनगुन, करेक्शन, हमने वृंदावन राधा की वजह से नहीं छोड़ा, तुम्हारी वजह से छोड़ा, ताकि तुम्हें और भी अच्छी एडुकेशन मिल सके. हाँ, राधा जो है ना, वो मेरी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंट थी नहीं कि उसके लिए मैं अपना घर छोड़ दूँ. और अब तो हमारी लाइफ में है भी नहीं, नहीं? तो जो हमारे साथ है नहीं, हम उसके बारे में बात करके गुस्सा क्यों है? क्यों है? परफेक्ट. तो अब हम अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करेंगे, है ना? वरना मामा मुक्का मारेंगे. अरे वेरी गुड, इसी बात पर ओपन योर माउथ. वैसे मोहन भी आपने बात तो बिल्कुल सही कही है, लेकिन पराठा खाते ही ना एकदम से राधा की याद आ गई. पता नहीं क्या कर रही होगी, कहाँ होगी बेचारी. कहाँ होगी? मंदिर वंदिर में होगी, जैसे तैसे गुजारा कर रही होगी अपना. कुछ पुजारन टाइप्स बन गई होगी. वैसे भी उसे क्या आता था, ना पढ़ाई लिखाई आती थी, ना इंग्लिश बोल पाती थी. भजन गा रही होगी किसी मंदिर में बैठकर. अरे राधिका मैडम आ गई. गुड मॉर्निंग मैम. मैम, न्यू जागरण न्यूज पेपर आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, और दो न्यूज चैनल से भी कॉल आया था, उन्हें भी आपका इंटरव्यू लेना है. आई एम सॉरी, आप तो जानते ही हैं कि मैं इंटरव्यूज नहीं देती. यही तो आपकी मिस्ट्री है मैम, लोग आपकी सक्सेस के बाद आपकी सक्सेस के पीछे का चेहरा देखना चाहते हैं. चेहरा देख के डर गए तो. हेलो मैम, मैम आपके रेडियो शोज और पॉडकास्ट के लिसनर्स के नंबर ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, और सोशल मीडिया फॉलोइंग तो स्काईरॉकेट हो रही है. मैम एडवर्टाइजर्स की तो लाइन लग गई है. सुबह की बात करें तो 11 मिलियन फॉलोअर्स. मैम फैन मेल्स तो किलो के भाव में आ रहे हैं. मैम फैन मेल्स? मेरे लिए चिट्ठियां कौन लिख रहा है? मैम आपने जो लास्ट मंथ रेडियो पे दिल की बात खतों के साथ वाला एपिसोड किया था ना, उसके बाद हजारों लोगों ने अपने चाहने वाले को लेटर्स लिखे हैं मैम. और एक तो आपका ऑब्सेसिव फैन है जिसने लिखा है खून से, ये देखिए आपके लिए लेटर. शर्मा जी,
ये खून नहीं लाल रंग है, और आज के जमाने में किसी में भी इतना पागलपन नहीं जो मोहब्बत के लिए खुद को चोट पहुंचा दे। मैम 3 मिनट में आपको ऑनर जाना है, आप लेट हो जाएंगी। ना कभी मैं लेट हुई हूँ और ना आज होंगी। जिसके हर एक कोने में बसती है एक कहानी और हर एक किस्से में होते हैं एक राजा और एक रानी। पार्लियामेंट के बिल से लेकर सर्दियों के थ्रिल तक हर एक चीज आपको इस शहर में मिल जाती है। हाँ, जो चीज नहीं मिलती है वो है कोई अपना जिसके साथ हम अपने दिल की बातें शेयर कर सके। उसकी जरूरत ही क्या है, हम खुद है ना अपने लिए, खुद से बात करने के लिए हम है ना अपने सबसे ज्यादा अपने। बाकी तो बहुत आएंगे और बहुत जाएंगे, पर खुद से प्यार करना सीखो दोस्त, क्योंकि इस लाइफ में ना तुम सबसे ज्यादा टाइम खुद के साथ बिताने वाले हो। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो फिकर नॉट, आपकी दोस्त राधिका है ना जो रोज सुबह आती है आप सभी के दिलों की धड़कन सुने और आप सबके साथ कुछ गोल्डन मेमोरीज बने। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का शो। आज का पहला गाना सुनने से पहले चलिए बात कर लेते हैं हमारे पहले कॉलर से। हाय पिंकी, व्हाट्स अप? क्या आप राधिका, सब कुछ डाउन है। मेरा बॉयफ्रेंड उसने मुझे छोड़ दिया दूसरी लड़की के लिए, ब्रेकअप कर लिया। परास्त हो गया हमारा प्रेम मोहन जी, खत्म हो गया हमारा रिश्ता। क्या करूं मैं राधिका, कैसे वापस लाऊं उसे? पिंकी, उसने आपकी वैल्यू नहीं की, वो उसका लॉस है, पर आपको उसकी जरूरत नहीं। इनफैक्ट आपको तो किसी की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आप अपने लिए एकदम काफी हैं। लाइफ में ना किसी और से प्यार करने से पहले ना खुद से प्यार करना सीखिए पिंकी, बिकॉज सेल्फ लव इज द बेस्ट लव। मेरी तो लाइफ का सिर्फ एक ही फंडा है, सेल्फ लव किया तो डरना क्या। लोगों ने ना पिंकी प्यार को कई नाम दिए, पर मेरे लिए प्यार का सिर्फ एक ही नाम है, एंड दैट इज सेल्फ Love. Come on, y'all, just move on. अगला गाना ना सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया, ओ दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया, मेरे सियारी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया, सुबह सवेरे उठ के मैंने म्यूजिक खत्म, अब स्कूल जाओ, यू आर गेटिंग लेट। अपने मामा पर प्लीज एक एहसान कर, इस बार कम से कम ऐसी हैंडराइटिंग लिखो ना जो तुम्हें तो समझ में आए। पिछले टेस्ट में पता है क्या हुआ था ना, इस बार अगर तुम फेल हुई ना तो मामा मुक्का मारेंगे।
अम्मा 15 साल की हो, अंडर एज, ड्राइव करना अलाउड नहीं है तुम्हें। अब चुपचाप शलगम को लेकर बस स्टॉप जाओ, स्कूल बस पकड़ो और भाग लो यहाँ से। Then you drop me. I will not. सबसे पहली बात तो मुझे बहुत जरूरी काम, और दूसरी बात दिल्ली के सारे बच्चे जो है ना वो गाड़ी में स्कूल नहीं जाते, ज्यादा रईस बनने की जरूरत नहीं है, एक्ट नॉर्मल। मैं कैसे नॉर्मल हो सकती हूँ? मेरे तो पापा ही नॉर्मल नहीं है, मेरे जीन्स में नॉर्मल से नहीं है, तो मेरी लाइफ में कैसी आएगी? अब बिल्कुल मैड हो, मैड मैड मैडी गॉड डैम डैडी। ओए गॉड डैम डैडी की बच्ची, सैड हुआ करता था, मैड तुम लोगों ने बनाया मुझे। वृंदावन होता ना तो कान खींच के कान का चोटी से दिल्ली। आप तो फिर भी मैडी होते ना, और आपने पहना क्या है डैड? मैंने आपको नहीं पहना। ओके ओके सीज फायर, जल्दी 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 आओ, चलो बैग लो, जल्दी जल्दी कम, लेट हो रहा है ना स्कूल के लिए, पूरा दीदी के, जल्दी जल्दी लो। ओके गुनगुन, ओए शलगम, और तुम प्लीज आओ, चेंज करो, तुम्हारा खटारा ब्रोकर भाग जाएगा। ओए सबसे पहली बात तो तुम लोगों को मेरे कपड़ों से प्रॉब्लम क्या है? सभी बोल रहे हैं चेंज करो, और दूसरी बात वो खटारा नहीं है, उसका नाम खट्टर है, उसका नाम उसके सामने खटारा मत बोल देना, वो मुझे घर दिखाना बंद कर देगा यार। तुम मत देखो ना घर, किसने बोला तुम्हें घर देखने के लिए? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम यहाँ से जाना ही क्यों चाहते हो? मेरा इतना बड़ा घर है यहाँ दिल्ली में, यहीं रह जाओ ना। मेरा घर तो बहुत बड़ा है, लेकिन मेरा परिवार भी तो बड़ा है ना। देखो मैं तुम पर पाइल ऑन नहीं करना चाहता, हेल्प को हक नहीं बना सकता ना मैं, ये सब जो है ये टेम्परेरी अरेंजमेंट्स है। कर लो ना पाइल ऑन, आई डोंट माइंड, बना लो टेम्परेरी से परमानेंट वाला, कर लो ना मुझसे शादी। ओए पागल, कुत्ते ने काटा है मुझे। मुझे क्या पता काटा होगा। सोचो मोहन, मैं इतने बड़े शहर में इस घर में अकेली रहती हूँ, अबला की कुछ तो फिक्र करो तुम। प्लीज अबला नहीं हो तुम अच्छे हो जो की तबला बजाने वाली नारी हो, अबला की फिक्र कर लो। ओके सो टेल मी वन थिंग, दिल्ली आने का रीजन वाकई में गुनगुन की पढ़ाई थी या कुछ और? और क्या हो सकता है? राधा मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम राधा को ढूंढते हुए यहाँ पर आए? क्योंकि तुम जो हो ना, तुम ये रोमांटिक फिल्में कुछ ज्यादा देखती हो। क्योंकि तुम्हारा प्यार जो है ना वो बिल्कुल रोमांटिक फिल्मों वाला जैसा था राधा के लिए। वैसे इतने साल हो गए हैं, तुम्हें क्या लगता है राधा मूव ऑन कर गई होगी क्या? पता नहीं, और जानना भी नहीं चाहता, बस इतना जानता हूँ कि वो अपनी मर्जी से मुझे छोड़कर गई थी ना। ये लाइफ और रोमांटिक फिल्मों में ना बहुत बड़ा फर्क होता है, लाइफ में एक बार दिल टूट जाए ना फिर वो जुड़ता नहीं। ओके ओके ठीक है, वैसे भी बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? कभी ना कभी तो बकरे की शामत आएगी ना। मैं बकरा हूँ। हाँ हो ना तुम गोट। गोट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। व्हाट? सॉरी सॉरी, यही होता है कर्मा, फोन गिरोगी खुद भी गिरोगी। राधा जिंदगी चाहे कितनी भी आगे बढ़ गई हो, मैं जानता हूं तुम आगे नहीं बढ़ी हो। हमारा प्यार इतना कमजोर नहीं था कि कुछ सालों की दूरियां उसे खत्म कर दे। मैंने तुमसे कहा था ना, अब जिंदगी भर के लिए हमारी हाथ की लकीरें एक दूसरे से जुड़ गई हैं। देखो आखिर हमारी लकीरें फिर हमें मिलाने की कोशिश कर रही है। इतने बड़े शहर में पता नहीं तुम कहां हो, आज नहीं तो कल मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा।
That's okay. इसे धोना पड़ेगा, मैं वॉशरूम जाके धोकर आती। Happiest anniversary, wifey. जब जब तेरे पास मैं आया, एक सुकून मिला, जिसे मैं था भूलता आया, वो वजूद मिला। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। यहाँ क्या कर रहे हैं? ये लेडीज वॉशरूम है। So what? बीवी हो तो मेरी, कभी भी कहीं भी कैसे भी विश कर सकता हूँ। आज एनिवर्सरी है हमारी। By the way, for your kind information, तुम्हारा पति यानी कि मैं युग कोहली इस चैनल का मालिक हूँ। So चैनल मेरा, बिल्डिंग मेरी, लोग मेरे, तुम भी मेरी। तो फिर इतना तो मेरा बनता है ना स्पीड। So on the special day in this washroom, I'd like to wish you happiest anniversary. Saat saal, saat saat. Congratulations, meri jaan. Same to you. Thank you. वैसे एक बात बता दें आपको, आप ना एकदम ही पागल हैं। मैं भी एक बात बताऊं? तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा पागल। अच्छा। Let's go. Do you know there's another thing that's planned? Really? To make it special for you. What? You wanna see? Come here, मेरे बच्चू, come here. Happy anniversary. पता नहीं राधा हमारी लव स्टोरी बची भी है या नहीं, पर मुझे तुमसे अपने सवालों के जवाब जरूर चाहिए। वैसे मेरा दिल कहता है कि तुम आज भी मेरा इंतजार कर रही हो।